नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका कनॉल स्टूडियो चैनल में। तो आज हम बात करें छात्र अधीक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए जो 4 माह पहले शुरू हुआ था आवेदन की प्रक्रिया, उसमें रोक लगा दिया गया था। तो उसमें अब क्या फैसला हुआ? अभी फैसला लिया गया कि इसका आवेदन जो है अब होने के लिए अब अगले सप्ताह की संभावना है। तो इसमें क्या हुआ है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए अभी अपडेट आया कि छात्र अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए भर्ती परीक्षा व्यापम में आयोजित की जाएगी और इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से व्यापम को सहमति मिल गई है, मतलब विभाग ने सहमति दे दी है। और आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। छात्र अधीक्षक के लिए 300 पदों के लिए भर्ती निकली थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं 300 पदों के लिए इसके लिए भर्ती निकली थी, जो अक्टूबर माह में विज्ञापित जारी हुआ था, लेकिन उसको कुछ कारणवश बीच में रोक दिया गया था। तो आचार संहिता व अन्य कारणों से तब तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई और अब तक करीब 4 महीने बाद यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो उस समय आचार संहिता थी क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना था। तो अभी जो है अगले सप्ताह इसकी जो है फॉर्म भरने जाने की संभावना शुरू हो जाएगी। और इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट के लिए इसके लिए अभी तक कोई डेट फिक्स होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इधर मई जून में व्यापम में प्रवेश परीक्षा का क्या हो जाएगा, परीक्षा आयोजित होगा, जो जो भी है PPT है, PET है, अपना नर्सिंग है, ये सब जितने भी एग्ज़ाम हैं प्रवेश परीक्षा वाला, या BEd है, Re-BEd, इन सब का परीक्षा जो है मई जून में होना है। तो इसका जो एग्ज़ाम है लगभग मई जून के बाद ही होगा। और अभी आपने देखा कि प्रयोगशाला तकनीशियन जो आया है उसमें भी कोई एग्ज़ाम डेट जिक्र नहीं हुआ है। उसका भर्ती तो हो रहा है लेकिन एग्ज़ाम डेट का भी कोई शो नहीं हुआ है। तो इसमें भी अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आएगा, लेकिन इसका भर्ती जो है अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें और जैसे ही भर्ती के लिए आवेदन का पोर्टल खुल जाएगा हम आपको तुरंत सूचना दे देंगे और आप उसके बाद आवेदन कर सकेंगे। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं और नए नए अपडेट्स और भर्ती से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करके रख लें। धन्यवाद।